अखाड़ा में इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आई है कि मनोहर लाल खट्टर अब शायद आगे जाकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं होंगे, नायब सिंह सैनी होंगे हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। ये बहुत बड़ा दावा, भले ही कुछ निर्दलीय विधायकों ने और बीजेपी के विधायकों ने कहा कि मनोहर लाल खट्टर ही मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन अब बीजेपी की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है कि नायब सिंह सैनी होंगे हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। मनोहर लाल खट्टर क्या अब लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन दूसरी बात यह है कि कई अटकलें लग रही थी, क्या मनोहर लाल खट्टर ही चेहरा रहेंगे, कहीं ना कहीं इस बात की संभावना भी बन गई थी, क्योंकि एक निर्दलीय विधायक और उसके साथ साथ एक बीजेपी के विधायक ने भी इस बात की पुष्टि की थी यहाँ न्यूज 18 इंडिया पर। लेकिन न्यूज 18 इंडिया आपको ये भी बता रहा था कि कुछ अलग चेहरे हैं जिन पर चर्चा हो रही है, यतेंद्र जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, ये कहानी में ट्विस्ट कैसे, हरियाणा में तो बहुत बड़ा उलटफेर। देखिए, बिल्कुल बड़ा उलटफेर है और इसी उलटफेर के लिए ये त्रिनेत्र की जो तिकड़ी है वो इसी उलटफेर के लिए जानी जाती है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसी तरह फैसले वो अक्सर लेते रहते हैं जो पार्टी हित में तो होते ही है, जनहित से भी उनको जोड़ा जाता है। विकास की जो निरंतरता की बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं उसको ये सटीक यानी कि सही साबित करती हुई दिखाई देती है, क्योंकि जब नया नेतृत्व आता है तो वो नए जोश खरोश के साथ काम करता है, पार्टी का तो विस्तार होता ही है, लेकिन जो जरा आकांक्षाएं होती है उनको भी वो पूरा करने में कहीं ना कहीं उसकी पूरी सहभागिता सक्रियता के साथ मिलती है। और यही हरियाणा में देखने को मिल रहा है कि करीब करीब 10 साल पूरे होने वाले थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को, और उसके बाद जो अजीत सर्वे आया उसमें साफ था कि अब बदलाव की जरूरत है। हालांकि कहीं भी खट्टर मनोहर लाल खट्टर की छवि को लेकर कहीं कोई सवाल नहीं था, बेदाग छवि के माने जाते हैं, ईमानदार छवि के माने। देखिए, चुनाव में अब 7 महीने बचे हैं, फिर से एक नॉन जाट फेस को ही चुना है बीजेपी ने, तो यानी बीजेपी का कोर वोट बैंक जो हरियाणा में था उसको सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है, पर नायब सिंह सैनी ही क्यों और मनोहर लाल खट्टर को 7 महीने का एक्सटेंशन क्यों नहीं? देखिए, अभी जो राजनीति है वो जाट वर्सेज अदर की हरियाणा में देखने को मिल रही है, और नायब सैनी पिछड़ों के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, और अब हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री नायब सैनी होंगे, ये विधायक दल की बैठक में मोहर लग चुकी है। नायब सैनी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष है और कुरुक्षेत्र के सांसद भी, और मनोहर लाल खट्टर के काफी करीबी माने जाते हैं, ओबीसी समुदाय से आते और उन्हें पिछले साल ही प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया था, और स्पष्ट तौर पर एक तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का माना जाता था जब, लेकिन अब खट्टर ने इस्तीफा दे दिया, तो अब विधायक दल की बैठक में उनका उनके नाम पर मोहर लग गई। और सैनी की बात करें तो संगठन में काम करने का उनको लंबा अनुभव है, 1996 में संगठन की उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, 2002 में युवा मोर्चा के वो जिला महामंत्री बनाए गए थे, और 2005 में जो अंबाला युवा मोर्चा है उसके जिलाध्यक्ष भी नायब सैनी बन चुके हैं, और हरियाणा किसान मोर्चा का भी वो प्रदेश महामंत्री रहे हैं, और अंबाला ओबीसी समुदाय से जुड़े हैं। यतेंद्र, देखिए दो तीन बातें, बीजेपी ने जो उनका नॉन जाट वोट कोर वोट बैंक है उसको सुरक्षित रखने के लिए मनोहर लाल को अगर उन्होंने रिप्लेस किया तो रिप्लेस किया है नायब सिंह सैनी से, जो पुराने कई वर्षों से दशकों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं, ओबीसी समुदाय से भी जुड़े हैं, और ये एक बहुत बड़ा वर्ग है, वोटर बेस है हरियाणा में, और हरियाणा में कहीं ना कहीं आपने कहा कि सर्वे से आया कि वहाँ पर बदलाव की आवश्यकता थी, नीचे से गूंज उठ रही थी 10 साल के बाद, खट्टर के 10 साल के बाद, तो ये सब कुछ एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने के लिए किया गया है क्या, लोकसभा चुनाव से पहले भी और विधायक दल चुनाव से पहले भी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह का फीडबैक है, और जो ओबीसी वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का कोर वोट बैंक बना है, और ऐसे में उसमें उसको एकजुट रखने के लिए जरूरी था, क्योंकि जो किसान आंदोलन चल रहा है और उसका लगातार जो फीडबैक आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो जाट समुदाय है वो बीजेपी के साइड में यानी कि उनको वोट करता हुआ नजर नहीं आ रहा था, तो ऐसे में जरूरी है कि जो गैर जाट वोट है उसको एकजुट किया जाए, क्योंकि बीजेपी का बाकी जो समर वोट बैंक है वो बीजेपी का कोर वोट बैंक बनाया था, लेकिन ओबीसी को भी एकजुट करने के लिए जरूरी था कि इस तरह का कदम उठाया जाए, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर पंजाबी समुदाय आते हैं हरियाणा में, पंजाबी समुदाय कई सारी बेल्टों में प्रभाव रखता है, लेकिन ओबीसी बेल्ट काफी बड़ी बेल्ट है, और हर हर विधानसभा में हर लोकसभा में उसका एक अच्छा प्रभुत्व है, और यही कारण है कि नायब सैनी पर भरोसा जताया गया है। नायब सैनी संगठन के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता है, पिछले लेवल से लेकर और अब तक प्रदेश अध्यक्ष तक की उनकी भूमिका रही है, और अब मुख्यमंत्री हरियाणा के तौर पर उनकी भूमिका सामने आएगी, आज शाम को ही वो शपथ लेंगे। लेकिन एक साफ मैसेज है कि हरियाणा में जो ये कदम उठाया है बीजेपी नेतृत्व ने वो बड़ा सोच समझ कर उठाया है, जो फीडबैक उठाया है सर्वे का उस आधार पर उठाया है,
और इसी वजह से हरियाणा लोकसभा की एक सीट थी फाइनल की गई थी कल की बैठक में, हरियाणा को बुलाया गया था लेकिन एंड टाइम पर उसको टाल दिया गया, हरियाणा की मीटिंग रोक दी गई और अब उसका कारण भी समझ में आ गया कि बीजेपी आमूलचूल परिवर्तन हरियाणा में करना चाहती है और जो मनोहर लाल खट्टर हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं वो करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन उनकी जगह कुरुक्षेत्र से सांसद और प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जो ओबीसी तो आप कह रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, करनाल से लोकसभा लड़ सकते हैं मनोहर लाल खट्टर। ये देखिए 24 घंटे नहीं हुए हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएल खट्टर की तारीफ की थी, उन्हें कर्मठ मुख्यमंत्री कहा था। अब आप कह रहे हैं कि 24 घंटों में मनोहर लाल खट्टर अब हरियाणा के मुख्यमंत्री तो नहीं है लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो क्या सेंटर में फिर कार्यरत होंगे मनोहर लाल खट्टर? और नायब सिंह सैनी के साथ साथ क्या डिप्यूटी सीएम पर भी मोहर लगी है? क्या वो जाट समुदाय से होगा? देखिए बिल्कुल नायब सैनी मुख्यमंत्री होंगे तो वही मनोहर लाल खट्टर करनाल से सांसद लड़ेंगे क्योंकि उनकी भूमिका भी काफी कमतर करके नहीं आकी जा सकती। जो हरियाणा को आज विकास के रास्ते पर ले जाने की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद उनकी तारीफ की, तो ऐसे में जो लोकसभा सीटें कल टाली गई इन पर चर्चा होनी थी उसका एक बड़ा रीजन यही था कि मनोहर लाल खट्टर अब एक नई भूमिका में नजर आएंगे। मुख्यमंत्री से वो इस्तीफा दे चुके हैं लेकिन अब वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, सूत्रों का यही दावा है कि अब मनोहर लाल खट्टर करनाल से चुनाव लड़ सकते हैं और बाकी कई सारी लोकसभा सीटों पर चेंज होगा, कम से कम 4 से 5 जो सिटिंग चेहरे हैं यानी कि जो उनको काटकर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा जिसमें से मनोहर लाल खट्टर वो अब करनाल लोकसभा सीट से जो बीजेपी नेतृत्व फैसला लेगा वहां से उनको मौका दे सकते हैं। इसके अलावा बाकी की कुछ सीटों पर भी नए चेहरे देखने को मिलेंगे और ये बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति है कि किस तरह से नए और पुरानों को अनुभव को लेकर एक जोश वाली टीम को साथ लेकर हरियाणा में नई नेतृत्व के साथ एक पूरी सरकार नई बनेगी और इसमें जो विधानसभा चुनाव क्योंकि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद 2-3 महीने के बाद ही विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो ऐसे में पूरे कार्यकर्ता सक्रिय और आम जनमानस में भी एक बदलाव का संकेत जाएगा और कहीं ना कहीं एक जोश आएगा और उस पूरी रणनीति के तहत ये बदलाव किया गया और उम्मीद है कि आने वाले समय में जो सूत्र दावा कर रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे वहीं नायब सैनी मुख्यमंत्री के तौर पर आज शाम को शपथ ले सकते हैं। जी डिप्यूटी सीएम पर कोई चेहरा, कोई नाम, किसी पर मुहर लगी है? क्या उप मुख्यमंत्री भी होगा? देखिए अभी तक इस तरह की कोई सूचना अभी तक नहीं मिली है लेकिन विधायक दल की बैठक अभी चल रही है तो उम्मीद है कि अगर इस तरह का फैसला होगा तो वो भी कुछ देर में सामने आ जाएगा लेकिन फिलहाल अभी तक यही है कि जो जेजेपी के जो नाराज विधायक हैं जो जिन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया है उनमें से कुछ लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है, वही कुछ पुराने चेहरों को मौका दिया जा सकता है और कुछ पुराने लोगों को मंत्रिमंडल में इस बार जगह नहीं मिलेगी। सारी स्थिति आज शाम तक क्लियर हो जाएगी लेकिन इतना तय है कि अब नायब सैनी जो बड़े ओबीसी पद के चेहरे हैं उनके सहारे अब बीजेपी लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव जो विधानसभा चुनाव है उनमें अब उतरेगी और नए मंत्रिमंडल के साथ सामने आएगी। जी क्या फर्क पड़ेगा एक बात बताइए, हरियाणा में कई कई महीनों से अटकलें लगी हैं कि एससी समुदाय और ओबीसी समुदाय को अलग अलग पार्टियां उनको रिझाने की कोशिश कर रही थी, अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी, कांग्रेस भी इस कवायद में लगा हुआ था, आम आदमी पार्टी भी लगी हुई थी इस पर। उधर चंडीगढ़ के हरियाणा निवास में बीजेपी विधायक दल की बैठक से अनिल विज नाराज होकर बाहर निकल गए हैं। ये एक और खबर आई है, वे बिना सरकारी गाड़ी के पैदल ही बैठक से निकल गए हैं। मीडिया ने जब उनसे सवाल किए तो उनकी तलखी भी दिखी, उन्होंने कहा कि जो दिल्ली से आए हैं वही बताएंगे। नहीं कुछ नहीं बताएंगे, बताने वाले सर, बताने वाले बताएंगे। आप बता दो सर, मीटिंग में क्या कुछ रहा सर? मीटिंग में क्या कुछ रहा? तो अनिल विज नाराज दिख रहे हैं, गृह मंत्री अनिल विज कई सालों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। अब खट्टर जी को अगर आगे एलिवेट किया जा रहा है उनको लगा उनको मौका मिलेगा लेकिन नायब सैनी जी आगे निकल गए। यतेंद्र अनिल विज को क्या मनाएगी बीजेपी, पैदल ही निकल गए हैं? देखिए
देखिए, एक तो न्यूज 18 इंडिया की खबर पर मोहर लग चुकी है। न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले खबर दी थी कि हरियाणा में बड़ा फेरबदल होगा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा देंगे पूरी कैबिनेट के साथ, और नायब सैनी और संजय भाटिया का नाम सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया ने चलाया था, और उस पर भी मोहर लग चुकी है कि नायब सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे। जहां तक अनिल विज की बात है तो अनिल विज पुराने स्वयंसेवक रहे हैं, खाटी कार्यकर्ता बीजेपी के रहे हैं, और जब भी इस तरह के फैसले होते हैं तो वो उनको शांति के साथ यानी कि स्वीकार करते हैं। हालांकि वो अभी बैठक से निकले हैं क्योंकि बैठक खत्म हो चुकी है, और उन्होंने जो शब्द हैं उनके शब्द वो जाइए, उन्होंने कहा कि जो ऑब्जर्वर आए यानी कि जो दिल्ली से आए हैं वही आपको इस फैसले के बारे में बताएंगे। यानी कि वो पार्टी लाइन नहीं तोड़ रहे, क्योंकि पार्टी लाइन हमेशा से यही होती है कि जो अधिकृत होते हैं वही पार्टी का फैसला बताते हैं, वही पार्टी लाइन बताते हैं, और अनिल विज ने यही बताया है क्योंकि वो भी गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अब देखना ये होगा कि क्या अनिल विज को उस मंत्रिमंडल में जगह मिलती है या फिर मुख्यमंत्री नए बने हैं। गुजरात की तर्ज पर सारे मंत्रियों को चेंज करके नया मंत्रिमंडल सामने आएगा, क्योंकि संभावना यही है कि सारे मंत्रिमंडल को नया स्वरूप दिया जा सकता है, नए लोग इसमें मंत्रिमंडल के शपथ के तौर पर शपथ ले सकते हैं। हालांकि कुछ जेजेपी के लोग जो पाला बदलकर बीजेपी के साथ आए हैं वो भी उसमें से कुछ लोग शपथ ले सकते हैं, लेकिन संभावना यही है कि पुराने लोगों में से शायद ही किसी को मौका मिले, पूरा मंत्रिमंडल नया होगा, क्योंकि मोदी सरकार जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में जिस तरह से इस तरह के फैसले होते हैं उनमें ये वानगी होती है कि लगातार जनता को जो जन आकांक्षाएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए समय। यतेंद्र, क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ रूठे हुए मंत्री, कुछ लोग बीजेपी से पलायन भी कर जाएं लोकसभा चुनाव से पहले? क्या बीजेपी इसके लिए तैयार है? दूसरी बात, 7 महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव के लिए, अक्टूबर 2024 में हरियाणा में फिर चुनाव होने हैं, तो क्या ये समय ठीक है, और इसका असर क्या लोकसभा चुनाव पर भी दिखेगा? देखिए, बिल्कुल इसका असर लोकसभा चुनाव में ही दिखाई देगा, उसी को ध्यान में रखते हुए लोकसभा और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका साफ तौर पर असर होगा, क्योंकि जब ये तिकड़ी जो तीन मूर्ति है जब भी इस तरह के फैसले लेती है तो पूरे सोच समझकर, पूरा फीडबैक लेकर और पूरी ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। गुजरात सबके सामने कि किस तरह से फैसला लिया गया, हालांकि बाकी के जो राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसमें चुनाव जीतने के बाद फैसला लिया गया, लेकिन गुजरात जैसा राज्य जहां पर पूरी कैबिनेट को इसी तरह से बदला गया था उसके बाद चुनाव हुआ, तो उसका रिजल्ट सबके सामने है कि किस तरह से बीजेपी की वहां पर जीत हुई। इसी तरह का सर्वे यानी कि फीडबैक हरियाणा में मिला, और उसी तर्ज पर पूरी हरियाणा कैबिनेट का इस्तीफा ले लिया गया मुख्यमंत्री के साथ। नए मुख्यमंत्री का आज विधायक दल ने अपने नेता को चुन लिया, और आज शाम को शपथ ग्रहण होगा। जहां तक आप कह रहे हैं यतेंद्र, रुके, चंडीगढ़ से रिएक्शन आ रहा है। 41 विधायक हैं, 40 लोग वहां मौजूद थे, तो मुझे उसमें नाराजगी वाली कोई बात नहीं लगती है। छनी कोई बात होगी, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा फैसला है जो हमारे केंद्र ने किया है, और समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। उप मुख्यमंत्री भी कोई हो सकता है? देखिए, अभी ऐसा इसमें कुछ नहीं कह सकता, जो तय हुआ है आज मुख्यमंत्री के बारे में तय हुआ है, और आदरणीय मुख्यमंत्री 5 बजे शपथ लेने जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि नरेंद्र गुप्ता हैं जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने मोहर लगा दी है कि नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल की बैठक के अंदर ये फैसला लिया जा चुका है कहीं ना कहीं। तो ये कॉन्फर्मेशन आया है। अंकित दुदानी बात कर रहे थे बीजेपी के विधायक से ही, जिन्होंने ये बात कन्फर्म किया है कि 41 के 41 विधायकों की सहमति इस पर बनी है कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। कुछ अगर रूठे हैं, कुछ निकल के गए हैं, तो वो ऐसी कोई बात नहीं है, सर्वसम्मति से ये बात आगे निकल के आई है। कोई डिप्यूटी सीएम होगा कि नहीं, उप मुख्यमंत्री होगा कि नहीं, अभी तक इस पर फैसला नहीं है। आज शाम को 5 बजे नायब सिंह सैनी वहां पर हरियाणा में चंडीगढ़ में शपथ ग्रहण करेंगे। यतेंद्र हमारे साथ हैं, तो सर्वसम्मति से बनी है, लेकिन सेंट्रल पर्यवेक्षक वहां पहुंचे हैं, सेंट्रल कमांड से कुछ निर्देश आए हैं और उसी का पालन किया गया है, लेकिन 24 घंटे नहीं हुए यतेंद्र जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल खट्टर की जमकर तारीफ की थी द्वारका एक्सप्रेसवे के खुलने के बाद। उस भाग का जो कि गुरुग्राम का पक्ष है, हरियाणा पे आता है, उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को कर्मठ मुख्यमंत्री बताया था, और ये बात भी, इस बात से भी सब लोग जानकार हैं कि मनोहर लाल खट्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है उसके काफ़ी करीब है। तो क्या वजह है ये फेरबदल हुआ है? कहीं ना कहीं क्या उनके एलिवेशन की बात हुई है कि 10 साल आप हरियाणा में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब आइए सेंटर में, आइए लोकसभा चुनाव के बाद वहां सेंटर में कार्य कीजिए।
देखिए बिल्कुल आनंद, अगर बीजेपी की रणनीति की जाने और प्रधानमंत्री मोदी की जो बात कर रहे हैं तारीफ है, तो वो भी उसी रणनीति का एक हिस्सा था कि जब उनका बदलाव होगा तो कहीं लोगों को ये ना लगे कि बीजेपी नेतृत्व उनसे नाराज है या उनसे कुछ कमियां हुई हैं या गलतियां हुई हैं, उन्होंने काम सही से नहीं किया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया था कल के भाषण में कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने कार्यकाल में काफ़ी ऐसे काम किए जिससे हरियाणा विकास की दिशा में आगे बढ़ा, इसी वजह से। लेकिन एक बदलाव भी जरूरी होता है क्योंकि जन आकांक्षाएं बदलाव को लेकर बड़ा पॉजिटिव तरीके से सोचती है, क्योंकि 10 साल का समय कम नहीं होता, 10 साल का समय काफ़ी होता है। और बीजेपी की आप पॉलिसी देखिए, किसी भी राज्य में देखिए, तो हमेशा ज़्यादातर ऐसे नेताओं को हटाकर नए चेहरों को सामने लाने का काम किया जो